Yes, so we have Harsh Kumar Shaw. Congratulations for rank in CS Executive. AIR 18 na, Harsh? Yes, sir. जबरदस्त. अपने बारे में बताओ हर्ष. Congratulations सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हर्ष. Thank you, sir. Thank you. अपने बारे में बताओ कि भाई कहाँ से हो, क्या कर रहे हो? सर मैं तो कलकत्ता से हूँ. कलकत्ता से ही हो? ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो कलकत्ता से हो तो मैं बता दूं, कलकत्ता में ट्यूजडे मंगलवार को, ठीक है, 11 AM आपको आना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग AIR 1 को भी बुलाए हैं, AIR 10 को भी बुलाए हैं, मतलब जो भी कलकत्ता से है, जो भी कलकत्ता से. ऐसे तो CS में इस बार भगवान के देन है कि MEPL से छप्पर फाड़ करके ऑल इंडिया रैंक आए हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, बट उसमें से जो कलकत्ता में है वो ट्यूजडे 11 बजे जो है हम उनको बुलाए हैं. और क्यों बुलाए हैं उसका कारण है, पार्टी तो अलग से करेंगे, ठीक है. ट्यूजडे 11 बजे इसलिए बुलाए हैं क्योंकि CS एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 2 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसी दिन. और क्या शुभारंभ रहेगा जब तुम लोग आकर के सीधा बच्चों को जो है इंस्पायर करोगे, इसलिए बुलाए. हर्ष बताइए, आपने MEPL से क्या क्या सब्जेक्ट लिए? सर मैंने FM को अलावा सारे सब्जेक्ट्स लिए थे. सारे सब्जेक्ट्स लिए थे, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम. एंड कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर बहुत ही अच्छा रहा, मतलब बहुत ही अच्छा है. क्लासेस वगैरह, मेरा पढ़ाने का तरीका, क्लासेस वगैरह सब समझ में आता था? यस सर, सर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते थे, सब कुछ, सारे क्लासेस अच्छे थे. कभी प्रेशर लगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो जा रहा है, कि फन लर्निंग था, एंजॉय करके पढ़ाई किए? सर मतलब सिलेबस इस टाइप का है कि वो तो प्रेशर फील होगा ही. सिलेबस तो ह्यूमंगस है. हाँ, वो तो प्रेशर फील होगा है, बट आपका जो टीचिंग स्टाइल था, जो पढ़ाने का तरीका, वो फन लर्निंग स्किल, वो मतलब अच्छा लगता था पढ़ने में. प्रेशर फील नहीं होता था कि हाँ कुछ मतलब हैवी चीज पढ़ रहा है, वो ऐसा फील नहीं होता था. जबरदस्त जबरदस्त. और इसके पहले हम इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं, एक छोटा सा तोहफा है कि CS प्रोफेशनल में MEPL सारे सब्जेक्ट देता है. आपको पता ही है हमारी स्टूडेंट जो है श्रुति नगर ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 इस टर्म में, और लास्ट टर्म में भी ऑल ओवर इंडिया जो रैंक 1 था CS प्रोफेशनल में वो हमारे स्टूडेंट थे. और दोनों का इंटरव्यू भी डाला हुआ है. और तोहफा ये है कि MEPL 12 महीना डिस्काउंट देता है बच्चों को ताकि प्राइसेस अफोर्डेबल रहे, लेकिन रैंक होल्डरों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप है. जो डिस्काउंट के बाद फीस है ना उसमें और 50% स्कॉलरशिप मिल रहा है फॉर CS एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया रैंक, चाहे वो रैंक कहीं से भी आया हो, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे दूसरे एकेडमी के बच्चे हो, अगर एग्जीक्यूटिव में उनका ऑल इंडिया रैंक है तो 50% डिस्काउंट के बाद जो फीस है उसका भी 50% स्कॉलरशिप जो है उनको मिल रहा है. मतलब समझ लो खाली बुक्स का जो कॉस्ट है वही लिया जा रहा है, बाद बाकी प्राइस जो है वो स्कॉलरशिप के रूप में वेव ऑफ किया जा रहा है इन द CS प्रोफेशनल. तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट. थैंक यू. सो हर्ष अब बताओ भाई, बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि कितना मंथ लगा आपको प्रिपरेशन कंप्लीट करने में? सर मैंने जून एंड से जो है क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, क्लासेस देखना. जून एंड बोल रहा है जनवरी एंड. हाँ भाई सर, हम लोग हार्ट अटैक दे देगा यार ये तो. जून नहीं सर, वो जनवरी एंड से जो है स्टार्ट कर दिया था. बहुत बढ़िया. तो जनवरी एंड से चालू कर दिया तो लगभग समझ लो अगस्त सितंबर में कंप्लीट कर लिया होगा. सर मैंने सारे सब्जेक्ट एक बार स्टार्ट नहीं किए थे, सबसे पहले मॉड्यूल 1 का JIGL और मॉड्यूल 2 का SLCL, ये दोनों स्टार्ट करके फर्स्ट 2 मंथ्स में इसको रैप अप कर दिया था. बहुत बढ़िया. ताकि मेरा पर्पस ये था कि एग्जाम मोटिव से ये दोनों पेपर सबसे पहले मिलते हैं. हाँ. स्टार्टिंग पेपर यही है दोनों, तो अगर मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा तो बाकी पेपर सर कोई वीक भी है तो उसमें भी अच्छा मार्क्स जो है हम स्कोर कर सकते हैं. इसीलिए इसको पहले स्टार्ट किया ताकि इसको पहले रैप अप कर रिविजन ज्यादा कर सकते हैं इसमें. तो पहले मैंने ये दोनों पेपर्स कंप्लीट किए, बाकी में जो पेपर्स है उसको फिर साथ साथ करते गए और उसका दोनों का रिवीजन भी होते गया. ग्रेट, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है हर्ष. एंड ये क्लीशे क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे पूछते हैं कि एक दिन में ऑप्टिमम नंबर ऑफ आवर्स कितना पढ़ना चाहिए? सर मेरा स्टाइल है कि हम स्टार्ट जो होता है मेरा स्टार्टिंग पीरियड वो बहुत हाइपर रहता है, मतलब बहुत अराउंड 8 to 10 hours जो है शुरुआत में एकदम जोर लगा करके कर लो. हाँ, और लास्ट में अराउंड 6, वो भी एवरेज मेंटेन करते हैं 6 to 7 hours. बहुत बढ़िया. हाँ, और कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए एक दिन में? सर सब्जेक्ट्स मैं 3 classes देखता था, 3 subjects के. बहुत बढ़िया, 3 subjects लेकर के साथ में चलो. हाँ, साथ में चलते थे, 2 theory होता था और 1 practical. ग्रेट. नेक्स्ट डे 2 practical करते थे और 1 theory. ग्रेट ग्रेट, ऑसम, दैट्स ग्रेट. एंड इसके अलावा रिविजन जब किया
ठीक है, तो रिवीजन स्ट्रैटेजी अपना थोड़ा बताओ। सर रिवीजन स्ट्रेटेजी के लिए पहले तो मैं जब क्लासेस देखता था तो उसे कोई सर मैंने पेनड्राइव क्लासेस लिए थे, उस समय आपका लाइव एट होम जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ था तो बिल्कुल, लाइव एट होम मेरा उसमें। चालू हुआ था जुलाई, जून जुलाई में। हाँ यस सर, और तो मैंने पेनड्राइव क्लासेस देखे थे जो आपके लास्ट प्रीवियस बैच के थे, तो मैं क्या करता था कि जब भी मैं क्लास देखता था तो उसे फिर शॉर्ट नोट्स में ताकि मुझे बना प्रीविजन लेता में था, मदद हो, और वो रिवीजन मुझे वो नोट मुझे बाद में ना बनाने पड़े, उसी टाइम पे मैं बना लेता था, बहुत बढ़िया। लेक्चर खत्म किया और जो मेरे और अब माइंड से में है। वो काम भी मैंने तुम लोगों का कर दिया है, हाँ यस सर, वो तो जो नए बहुत इजी हो लेक्चर्स गया। हैं हाँ यस सर, उसमें मैंने जो है नोट्स बनवा दिया है। हाँ तो वैसे जो नोट्स बन जाते थे उसी से फिर मैं जो रिवीजन करता था, तो मंडे टू सैटरडे जो है वो मेरा क्लासेस चलते थे और संडे मेरा फ्री रहता था, वो संडे बहुत में बढ़िया। पूरा वीक का रिवीजन करते थे और और डेली रिवीजन एग्जाम तो। के एक दिन पहले, क्योंकि यस तुमने सर दोनों मॉड्यूल दिया तो बैक टू बैक एग्जाम था, खाली 25 दिसंबर को छुट्टी था, कैसे यस मैनेज किया? क्या 100% सिलेबस रिवाइज हो जाता था वो आधा दिन में? सर, 100% तो नहीं होता ऑब्वियसली, मतलब नॉर्मल सा बिल्कुल बात है, पॉसिबल ही नहीं है, बट ऑलमोस्ट 70-20% तो कोशिश करना मतलब चाहिए कि इतना जितना सिलेबस हो पन्ना जाए। जल्दी पलट सको उतना पलटना हाँ पड़ेगा। यस सर। सर तो भी मेरा दो रिवीजन हो जाता था, एक मैं पूरा रीड कर लेता था और जो सेकंड है वो जस्ट एक पेज फ्लिप कर लेता था कि बिल्कुल, ये हाँ क्या टॉपिक कह पढ़ रहा है। लिया कि हाँ इसके बारे में मेरे को याद है यार, कि चलो क्या पढ़ना है, अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक देख लो, हाँ लिख सकूंगा मैं एग्जाम में, और जो टॉपिक नहीं यार एक बार इसको देख लेते हैं तो वो रिवीजन कर हाँ लेते। बिल्कुल, यस मेरा सर, भी यही स्ट्रेटेजी रहता था जब हम पढ़ते थे, कि एग्जाम के एक दिन पहले आधा दिन तो मिल रहा है, एक भी दिन मत बोलो आधा दिन मिल रहा है, तो उसमें सर एक बार आपसे खाली ही तो ये टॉपिक लिखा स्ट्रैटेजी होगा। मिला था, आपसे ही ये स्ट्रैटेजी मिला। यस करेक्ट। तो हर्ष, कभी भी ऐसा लगा, तुमने पेन ड्राइव लिया जैसे तुमने बताया, कभी भी ऐसा लगा कि MAPL का सपोर्ट तुम तक नहीं पहुंच रहा है, ऐसा कभी कुछ लगा अकेलापन? नहीं सर ऐसा तो नहीं है, बट एक मोमेंट आया था, बट वो मोमेंट हम बोलना चाहेंगे कि हर स्टूडेंट को फील करना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा फैकल्टी है और इंडिया बेसिस पे जो है आप ऑपरेट करते हैं, तो मतलब रिप्लाई आने में टाइम लग सकता है बट वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, विद इन 1 डे या 2 डे आपका आ जाएगा, तो आप उसमें यस, टेंशन ना ले कि आपको इग्नोर किया जा रहा है या कुछ है, वो आप ना सोचें। पूरा सिस्टम्स बनाया हुआ है, इंटरनल यस कंट्रोल सर सेटअप किया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होता है, सबका रिप्लाई जाता है विद इन 24 आवर्स। यस सर, हाँ कभी अगर मान लो मैं कभी बहुत ज्यादा व्यस्त रहा, लगातार 4 क्लास रहा, या तबीयत खराब हो गया, तब जो है ऑब्वियस बात है रिप्लाई तो स्टाफ लोग नहीं करते, क्वेरीज का रिप्लाई तो मैं खुद ही करता हूँ भाई, ठीक है, कभी वॉइस मैसेज में रिप्लाई यस आता सर है, कभी टाइप करके रिप्लाई आता है, तो तबीयत अगर खराब हो गया तो 1-2 दिन में, बट रिप्लाई आएगा ये गारंटी है, ये रिप्लाई आएगा ये तो भाई गारंटी है। यस सर और YouTube में मैं कनेक्टेड रहता हूँ, क्योंकि बच्चे जो है यस एक एक सर साल पहले क्लासेस ले लेते हैं, तो उन तक अमेंडमेंट पहुंचाना, उन तक लेटेस्ट मैराथन पहुंचाना, रिविजन पहुंचाना, जैसे हर्ष तुमने एक साल पहले क्लास ले लिया था, तो SBC कंपनी लॉ जितना भी अमेंडमेंट्स हुआ होगा मैंने सब पहुंचाया होगा, ढिंडोरा पीट पीट करके कि भाई इस दिन अमेंडमेंट है, इस दिन रिविजन है, SBC का पार्ट बी ए पार्ट सी का रिविजन अलग अलग, तो ये सब एक्सपीरियंस कैसा था? सर, ये तो सारा सारा अच्छा था। मैंने जो मतलब चूंकि मैंने क्लासेस पहले ले लिए थे तो मैंने दिसंबर 20 का आपका रिवीजन मैथन वो भी देखे, बहुत अगस्त बढ़िया, टर्म के लिए जो हुआ वो भी देखे, और जो हमारे टर्म के लिए था वो भी देखे। दैट्स द स्पिरिट, कि भाई जितना बरसा रिवीजन करेंगे हम लोग भी करेंगे जब तक एग्जाम हम लोग नहीं दे देते, दैट्स द स्पिरिट हर्ष, प्राउड ऑफ यू। तुम्हारा एक लास्ट मैसेज सारे CS स्टूडेंट्स को जो इस वक्त तुम्हें देख रहे हैं, क्या बोलना चाहोगे? सर मैं तो बोलना चाहूंगा कि मतलब सर एक मिसकंसेप्शन है हमारे इंस्टीट्यूट को लेकर, इंस्टीट्यूट पास करना नहीं चाहता है, बट ये मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे फील हुआ कि ये मिसकंसेप्शन ना रखे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हर पेपर में इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप पास हो जाए, वो चाहे SBC हो जाए, EBCL हो, इवन हाँ, कंपनी लॉ लेकिन का जो अपने आप पास पार्ट। नहीं होंगे, लिखना पड़ेगा, पढ़ करके हाँ आना सर पड़ेगा। सर वो तो है, वो तो किसी भी कोर्स में वही चीज है, हाँ कंपनी लॉ में भी आप पार्ट भी ले लीजिए पूरा डायरेक्टर्स है उसमें, तो पूरा कहीं ना कहीं ये पोर्शन आपको देखना होगा, अगर आपको पास करना है, अच्छा नंबर लाना है, रैंक का टारगेट है, तो आपको ये सारे जो है उसका ये जो पार्ट बनाए गए हैं उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, और ये यस स्कोरिंग पार्ट है, यस तो ये ना बिल्कुल सही, सोचे कि इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देता है, आप लिखेंगे आप कंटेंट आंसर लिखेंगे, आपको लेंदी आंसर नहीं लिखना है, कंटेंट रखिए शॉर्ट रखिए, ज़्यादा लेंदी नहीं रखना है, तो ऐसे में इंस्टीट्यूट तो नंबर देगा ही। बिल्कुल बहुत बढ़िया मैसेज है हर्ष, कि इंस्टीट्यूट जो है जानबूझ करके किसी को फेल नहीं करना चाहता, अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियस बात है रिजल्ट नेगेटिव आएगा, और अपना बेस्ट देंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, दैट्स ग्रेट हर्ष। अब ये जो तुम्हारा रैंक 18 है, इसको अपने को सिंगल डिजिट रैंक में कन्वर्ट करना है, मिल करके मेहनत करेंगे, CS प्रोफेशनल में इसको सिंगल डिजिट रैंक अपने लेकर के आएंगे, ठीक है,
सर एक बात बोलना चाहे सर? हाँ सर, मेरे लिए हमेशा एक हम देना चाहते हैं ताकि सारे बच्चे से याद रखते हैं, सीएस को हमेशा कंपनी सेक्रेटरी ना ले, सी मतलब कंसिस्टेंसी और एस फॉर सिंसियरिटी। अगर ये दो चीज है तो बच्चा रैंक तो नहीं बोल सकते पॉसिबिलिटी, बट पास तो जरूर हो जाएगा। कंसिस्टेंसी एंड सिंसियरिटी, गजब। कंसिस्टेंसी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ये नहीं कि सिक्स मंथ कुछ नहीं पढ़े हैं या आराम से पढ़े हैं, लास्ट का एक दो महीना एकदम मतलब नींद हराम करके कुछ बिना कुछ सोए हुए कर रहे हैं, उससे नहीं होने वाला। चलो मेरा बात तो इन लोग नहीं सुनते हैं, हर्ष का बात तो तुम लोग सुन लो, कितना छोटा उम्र में इतना इतना बड़ा बात बोल दिया। सीएस का फुल फॉर्म कंसिस्टेंसी एंड सिंसियरिटी, इसको फॉलो करो भाई और बहुत नाम रोशन करो, जैसे हर्ष ने किया है, मेरा अपने मम्मी पापा का, वैसे ही आपसे भी हम लोग उम्मीद लगा करके बैठे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर हर्ष, ओके बाय।